लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खास तौर से बिहार में लोकसभा का चुनाव हुआ। और आप सब लोग को मैंने चुनाव के पहले कहा था दो बातें कि जो ब्राह्मण शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है, और दूसरा मैंने कहा था कि हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने संकल्प लिया था कि या तो महामाया सरकार को तोड़ देंगे और नहीं तो गंगा में डूब के मर जाएंगे। और मैंने स्पष्ट रूप से घोषणा किया था कि उपेंद्र कुशवाहा का पांचों में पांचों सीट पर हराएंगे और नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आज मुझे खुशी इस बात का है कि एनडीए के पक्ष में पूरे बिहार की जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ, साथ खास तौर से जो कुशवाहा दांगी समाज है वो 80-90% वोट एनडीए को मिला है, खास तौर से बिहार में बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और मैं बिहार के खास तौर से कुशवाहा दांगी समाज के लोगों को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि इससे नीतीश कुमार और नागमणिक का हाथ मजबूत हुआ है। बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स में दो ध्रुव था, एक नागमणि दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, बीच में कहीं कुछ नहीं था। और आज बिहार के कुशवाहा दांगी समाज के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा का बिहार में कहीं अब अस्तित्व नहीं रहा, कोई वजूद नहीं रहा, और हर लोग मान के चलते हैं कि कुशवाहा समाज का 80-90% वोट एनडीए को मिला है। मुझे कहने में हर्ज नहीं इस बात का कि जब उपेंद्र कुशवाहा नागमणि हम लोग एक साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा एक जूनियर नेता को हमने नेता माना, मुख्यमंत्री के रूप में उसको प्रोजेक्ट किया, लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का घिनौना रूप सामने आया, 99% राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनको छोड़ के चल गए, दो MLA था वो छोड़ दिया, MSC छोड़ दिया, वर्तमान सांसद जिनके बल पर ये मंत्री भारत में हिंदुस्तान में बने हुए थे उनको भी टिकट देने का काम नहीं किया। तो अब ये सिद्ध हो गया है इस बात का कि उपेंद्र कुशवाहा का बिहार के राजनीति में एक तरह से श्राद्ध हो गया, श्राद्ध। आपको कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी बकरी था, मैं क्या करता था, और हमने उसको बाघ का छाल पहना करके उसको शेर बनाया था, फिर उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया और फिर बकरी बन गया। बिहार में बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि बिहार में खून की नदी बहेगी अगर EVM में गड़बड़ी हुआ। भैया चुनाव आयोग को हम धन्यवाद देते हैं, उसने शानदार तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराया, और जो बकरी है वह क्या बात करेगा शेर वाला। और नीतीश कुमार की जो सरकार है वह बिल्कुल सही तरीके से चुनाव कराने का काम किया। इस मौके पर चूंकि कुशवाहा समाज की एकता को उपेंद्र कुशवाहा ने चकनाचूर करने का काम किया, आजाद और कुशवाहा समाज एकजुट हुआ था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज की एकता को चकनाचूर कर दिया। इसलिए आज मैं आप लोग के सामने घोषणा करता हूँ कि कुशवाहा समाज को पूर्ण रूप से चट्टानी एकता बनाने के लिए पटना के गांधी मैदान में फरवरी 2020 जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जयंती मनाया जाता है, शहीद जगदेव जयंती समारोह के उपलक्ष में बिहार में कुशवाहा दांगी सम्मेलन हम लोग करेंगे, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री बाबू नीतीश कुमार जी करेंगे। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है चूँकि NDA में नीतीश कुमार और नागमणि के
नेतृत्व में कुशवाहा समाज जो एकजुटता दिखाई है, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि एक बार फिर तमाम जो छीटे पुटे लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के गलतफहमी में चुनाव में पड़े हुए थे, सब लोग उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ छाड़ करके और कुशवाहा सम्मेलन में जो बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा उसमें सब शरीक होंगे। देखिए, इतना तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, और जब जब इधर 4-5 बार मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बराबर कहे हैं कि कुशवाहा हमारा कोयरी कुर्मी बेस वोट है, आधार वोट है, और मैं कभी कुशवाहा को माइनस करके नहीं चलूँगा। बाकी मुख्यमंत्री जी का जुडिक्शन है, MLC बनाना, मंत्री बनाना, पार्टी में संगठन में किसको क्या जिम्मेवारी देते हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बिहार के कुशवाहा समाज के लोग से अपील भी करना चाहता हूँ कि मैं JDU में आ गया हूँ, पहले भी नीतीश कुमार जी के साथ काम किया था, बिहार में किसी खास तौर से कभी कुशवाहा समाज को उंगली हम दर्द नहीं होने दिए थे, और मुझे नीतीश कुमार पर भरोसा है कि मैं JDU में आ गया हूँ, पूरे कुशवाहा समाज को मान सम्मान और प्रॉपर वे में जो उनका हक हिस्सा है वो तो माननीय मुख्यमंत्री देंगे ही देंगे। डिमांड क्या करना है, नीतीश कुमार के सिद्धांत में है, नीतीश कुमार के दिल में है कि बिना कुशवाहा को प्रायोरिटी दिए हुए हम राजनीति कर ही नहीं सकते हैं, ये बराबर बोलते रहे हैं। इसलिए हम लोग का 100% विश्वास है कि नीतीश कुमार जी खास तौर से पूरे बिहार की आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट किया बिहार में, तो एकक तबका सभी जाति संप्रदाय को लेकर के नीतीश कुमार चल रहे हैं, लेकिन राजनीति में बेस वोट नीतीश कुमार जी का जो लव और कुश है, कोरी कुर्मी और अति पिछड़ा दलित जो है वह उनका बेस वोट है, उस बेस वोट को बिल्कुल वो संजोग के चलते हैं, ये उनका चरित्र रहा। विधान परिषद में भी सीट खाली हो रहा, डिमांड करें कि कुशवाहा समाज के लोग। भैया मैं कहा कि अंडरस्टूड है कि ये नीतीश कुमार जी कुशवाहा को प्रायोरिटी दे के चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, कोई डिमांड की जरूरत हम लोग को नहीं है, कुशवाहा समाज का कोई डिमांड नहीं है।